हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DRDO के साइंस और जीके के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 250+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि टर्नर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन सभी के लिए रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में खजाना वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। इसीलिए एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, देख ही लें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तारों का रंग उसके किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान पर। यानी कि जो तारा होता है उसका जो रंग होता है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खराब ऊष्मा चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। यानी जो कांच होता है वो खराब ऊष्मा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गति का मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी मीटर पर सेकेंड जो है वो गति का मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी कि आपको ये बताना है कि भारत में जो प्याज है उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में प्याज का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। यानी जो हरित क्रांति है उसका संबंध जो है वो गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो है संविधान वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। यानी कि जो सुकुमार सेन थे वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन पर आधारित था। कौन? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, संविधान के किस संशोधन में जो मतदान है उसकी जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61। यानी कि संविधान संशोधन जो 61वां संविधान संशोधन है उसमें जो मतदान है उसकी जो एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन, भारत के संविधान में अनुसूचिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। यानी कि जो भारत है इसका जो संविधान है उसमें जो अनुसूचिए जो है वो कितनी है? तो वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेपचा दर्रा स्थित है। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हिंद महासागर में कौन सी खाई स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा जो ट्रेंच है वो खाई जो है वो हिंद महासागर में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोआब कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियाना जो बीच है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जजिया कर को किसने समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर जो है वो जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर की दूसरी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर जो था वो सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रामायण की फारसी में अनुवाद किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी के द्वारा रामायण की फारसी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी, बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3287590 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मानक समय की गणना किसके घंटा घर से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर के घंटा घर से की जाती है। क्या? तो भारतीय मानक जो समय होता है उसका गणना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो था वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, चांदी का सिक्का टंका किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिस के द्वारा चांदी का सिक्का यानी कि टंका जो है वो इल्तुतमिस के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिस की पुत्री सुल्तान बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एक बीमा रहित राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति जो है वो एक बीमा रहित राशि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक अदिश राशि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। जो बल आघूर्ण है वो एक अदिश राशि नहीं है। यहाँ पर जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर बल आघूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति और विद्युत धारा, ये दोनों क्या है, तो ये एक सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। न्यूटन के प्रथम नियम को भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ता का नियम जो है वो न्यूटन के प्रथम नियम को भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति को पत्थर मारने पर चोट किसके कारण लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया के कारण उसे चोट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 साल। और जो लोकसभा होता है उसका जो सदस्य होता है उसका जो न्यूनतम आयु है वो कितना होता है, तो वो होता है 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्याग पत्र किसको देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संविधान में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। किसमें, तो भारत की संविधान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग किसके पठार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार में लोहा और इस्पात उद्योग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कोरबा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन, तो कोरबा कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य के पास सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जो है, यानी कि झारखंड राज्य के पास सबसे बड़ा कोयला भंडार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गोंडवाना कोयला क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। और राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे की खदानों के लिए खेतड़ी जो है राजस्थान का वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबालामिन, यानी कि जो कोबालामिन है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिलिकॉन है वो सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। प्रकृति में जल का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारिश का पानी जो है वो प्रकृति में जल
प्रकृति में जल का सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड जो है वो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर है। तो पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दंत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, यानी कि जो दांत होता है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। और उन्हें कब मिला? तो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खजुराहो स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी सिंधु सभ्यता अब पाकिस्तान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता है वो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि जो बाघ है वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जब ध्वनि तरंगे यानी कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरीट, यानी कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो कौन सा है? तो किरीट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि सूर्य की जो किरण है उसमें 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला, यानी कि जो आंवला होता है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां जो संशोधन है वो लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनके द्वारा राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रिट कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत का पहला वायसराय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी कि जो मीथेन है ये गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि जो एल्युमिनियम है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेएल वेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो, यानी प्लूटो जो है इसे बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे बौना ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफून, यानी कि जो चीन सागर है उसका जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसका क्या नाम है, तो इसे टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न जो है वो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि लीवर के खराब होने से पीलिया होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, तारापुर में स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। और ये कहाँ पर स्थित है तारापुर? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में कितने कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, गोल गुंबज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है?
तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में क्या पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क लगभग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि जो लोहा है वो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किण्वन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध का फटना, ये क्या है? तो किण्वन का उदाहरण है। नेक्स्ट है खाने की जो ब्रेड होता है उसको बनाना, ये भी क्या है? बनाना, वो भी क्या है? तो किण्वन का उदाहरण है। नेक्स्ट है गीले आटे का खट्टा होना, ये भी क्या है? तो किण्वन का उदाहरण है, यानी कि ये जो तीनों है वो क्या है? किण्वन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2 है, और अक्सर एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है चौड़ाई उसके बाद फिर लंबाई का अनुपात पूछता है, तो आपको 2:3 लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में गाया गया था। कब? तो 1911 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 45। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्राम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, जिसमें यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और कब थी? तो 1917 ईस्वी में थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और ये कब थी? तो 1925 में ये थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य जेवी कृपलानी जो थे वो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये कब थे? तो 1946 को थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। पहला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर बनाया गया है, यानी कि जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, यानी शाहजहां के द्वारा दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, यानी कि जो अशोक चक्र है वो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल में स्थित है, और ये करनाल कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं उनके द्वारा जो सारनाथ में जो प्रवचन दिया गया था उसे क्या कहते हैं? तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्वनि की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, यानी कि जो डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता की मापने की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, सूर्य में ऊर्जा के उत्पन्न की प्रक्रिया का नाम बताएं, यानी कि जो सूर्य है उसमें जो ऊर्जा जो उत्पन्न होता है उसका वो कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु जो संलयन है, परमाणु संलयन, इसके द्वारा सूर्य में जो ऊर्जा बनता है इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, सूर्य पृथ्वी को द्वारा गर्म करता है, यानी किसके द्वारा गर्म करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण, यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी को विकिरण द्वारा गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन, यानी कि जो केल्विन है वो तापमान का एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है, यानी कि जो दीपक जो जलता है उसमें जो जो दीप जो बत्ती लगा हुआ था उसमें जो तेल होता है वो ऊपर की तरफ किसके कारण उठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरी एक्शन, यानी कि जिसे हम केशिकत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है, यानी जो देवधर जो ट्रॉफी है उसका संबंध क्रिकेट से है, और इसे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है ट्रॉफी से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसका वो वीडियो मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबल, यानी कि जो रूबल है वो रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, यानी जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव, यानी जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में है, जो लुम्बिनी है वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डायनेमो का उपयोग किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम डायनामो का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का माप है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका माप है तो दूरी का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत प्रतिरोध के लिए SI इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम, यानी कि जो ओम है वो विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। लेंस क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डायोप्टर होता है वो लेंस क्षमता का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसी कारण तेल की एक बूंद जो है वो पानी के ऊपर फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कटक किस नदी पर बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, यानी जो कटक है वो महानदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, यानी फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है, यानी कि जो अंड जो मान है वो निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। बैकलाइट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमर, यानी कि जो बैकलाइट है वो पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? तो डायनामाइट को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका सामान्य नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का सामान्य नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, यानी कि जो सोडियम सिलिकेट है वो क्वार्टर्स का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C4H10 ब्यूटेन का गैस का रासायनिक ब्यूटेन गैस का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, यानी कि जो स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात की जो समुद्र तट रेखा वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में झीलों का शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, यानी कि जो उदयपुर है वो भारत में झीलों का शहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तिब्बत तिब्बत में से होकर बहने वाली
सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो तिब्बत है वहाँ पर, वहाँ से होकर जो बहती है जो सांगपो नदी, उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, यानी जो कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबालेमिन, यानी कोबालेमिन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सोलर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, यानी सोलर सेल को बनाने के लिए जो प्रयुक्त तत्व है उसका क्या नाम है? तो उसे उसका नाम है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आम को पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, यानी कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है आम को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0% होता है, यानी जो पेंसिल होता है उसमें जो लेड होता है, जो लेड वाला जो पेंसिल होता है उसमें जो लेड होता है उसका प्रतिशत कितना होता है? तो वो 0% उसमें लेड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। एकमात्र स्तनपायी जो जो उड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़, यानी कि ये जो चमगादड़ है ये वैसा स्तनपायी है जो उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जो है वहाँ पे फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर न्यूटन के द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल जो है वो ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक, यानी कोशिका के जो केंद्रक होता है उसको साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन? तो टिटनेस रोग। पहला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552, यानी कि 552 जो है ये संविधान के लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए कितने वर्ष होने चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि जो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल, यानी कि जो भारतीय भूमि जो है उसका जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन पुल? कौन सा पुल? तो आदम का पुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80, यही बीपी होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो सामान्य मनुष्य का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, काला हीरा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनेडो को काला हीरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, काला शीशा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट को, यानी ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण जो होता है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार, यानी कि 1 साल में 2 बार इसका सत्र रहना जरूरी है। किसमें? तो लोकसभा का सत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में, यानी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, यानी जो कर्क रेखा होता है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप कैमोरिन जो होता है वो भारत की भूमि की, यानी भारत की भूमि की मुख्य भूमि की दक्षिणतम नोक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य, एंड लोकसभा सदस्य के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवी मावलंकर, यानी कि जेवी मावलंकर जो है वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि भारत के 9 ऐसे राज्य जो समुद्र तट रेखा से सटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी भारत के जो गुजरात जो राज्य है इसका जो तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी भारत के जो गोवा राज्य है इसकी जो तट जो रेखा है वो सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विभवांतर का मात्रक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, यानी जो विभवांतर की जो मात्रक है वो क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला, यानी ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ज्योति फ्लक्स का मात्रक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुमेन, यानी कि जो ज्योति जो फ्लक्स है इसका जो मात्रक है वो क्या है? लुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, यानी कि मीरा कुमार जो है वो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कपाल में हड्डियों की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8 होती है कपाल में हड्डियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरीट, यानी सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसका क्या नाम है? तो वो उसका नाम है किरीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे एल बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न है इसका आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यानी जो दाल होता है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36, यानी जो लक्षद्वीप जो समूह है इसमें द्वीपों की जो संख्या है वो 36 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। कौन? तो 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है, यानी कि अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पम्बन जो चैनल है वो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा, यानी कि जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 42, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या नाम है, यानी कि उसका नाम बताना है आपको कि जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 44, रक्त को छान कर शुद्ध बनाना कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, यानी जो किडनी है वो रक्त को छानकर शुद्ध बनाना इसी का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, कान में हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी 6 होती है, 3 एक कान में और 3 एक कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग, यानी कि इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है उसका जो विक्षेपण होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से किया जाता है दूध की शुद्धता का मापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी जो एल्युमिनियम है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, और लोहा को Fe से प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की होती है, यानी कुपोषण जो रोग होता है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन वो हैलोजन है जो कांच पर प्रहार करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट है, यानी कि जो रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो वाटर ग्लास है वो क्या है, तो सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, यानी कि जो डेसिबल है वो ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें उत्सर्जित करता है कौन, तो कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1836 गुना होता है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है एक दिन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर न्यूटन ने
किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में, यानी कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी जो है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है वो निकलता है, यानी कि भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक, यानी कि कोशिका के जो केंद्रक होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम है, यानी कि जो स्वाइन फ्लू होता है वो कौन से वायरस से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H1N1 से फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बर्ड फ्लू वायरस का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H5N1, ये बर्ड जो फ्लू है इस वायरस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह की बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि जो बिहू जो त्यौहार है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी जो कागज है उसका आविष्कार चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कार का CGS मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ग, यानी कि जो अर्ग है वो कार्य का CGS मात्रक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की जो वृद्धि होती है उसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बाइटस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्फिमो मैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा में सर्वप्रथम, यही जीव है जिसमें रक्त दाब मापा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। लैंगर हैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में पाई जाती है लैंगर हैंस की दीपिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी को भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार मिला, यानी कि ये वही प्रथम महिला हैं जिन्हें मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी कि जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारालोचा दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मेसेटे का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मेसेटे का पठार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में है, यानी जो माओरी जो है उसका जो निवास है वो कहाँ पे है, तो वो न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ जो है वो सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। मौर्य काल में कलिंग का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल, यानी जो खारवेल था वो मौर्य काल में कलिंग का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में समुद्री मार्ग की खोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो वो इंडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। हाउस ऑफ लॉर्ड संसद के ऊपरी सदन का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो संसद है उसके जो ऊपरी सदन है उसका नाम क्या है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे सबसे तेज गति से चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे जो है वो भूकंपीय तरंगे, ऐसी भूकंपीय तरंगे हैं मतलब पी तरंगे जो सबसे तेज। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देखकर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।